नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं साथियों शिक्षण योजना लेके आई हूँ इतिहास की। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7 विषय इतिहास, समय 40 मिनट, लर्निंग आउटकम। बच्चे प्रमुख सल्तनत कालीन शासकों, उनकी काल अवधि व उनसे जुड़ी प्रमुख बातों को बता पाते हैं। सल्तनत काल में हुए प्रमुख कार्यों का वर्णन कर पाते हैं। प्रकरण सल्तनत कालीन संस्कृति, भाग 1। सहायक सामग्री शामपट, चौक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे सल्तनत काल से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न पूछेंगे जिनका अध्ययन उन्होंने पिछले अध्याय में किया। जैसे कि बच्चों, सल्तनत काल का आरंभ किस वर्ष में हुआ, सल्तनत काल के प्रमुख वंश कौन कौन से थे, सल्तनत काल की संस्कृति की क्या विशेषताएं थीं, यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। इसके पश्चात शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम सल्तनत कालीन संस्कृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत - प्रभावित हुए। शिक्षक उचित लय एवं हाव भाव के साथ पाठ का वाचन करेंगे तथा उसका सारांश बच्चों को बताएंगे। शिक्षक पाठ के मुख्य बिंदुओं को श्यामपट पर लिखेंगे। श्यामपट कार्य। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। सल्तनत काल में सारी राजनैतिक, कानूनी तथा सैनिक सत्ता सुल्तान के हाथ में थी। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रांत का अधिकारी इक्तादार कहलाता था। प्रांतों के नीचे जिले होते थे। जिले के अधिकारी को शिकदार कहते थे। प्रत्येक जिले को परगनों में बांटा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। इसी समय भक्तों और सूफी संतों ने सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया। इस काल में संतों एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन चलाया। भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद जाने माने सूफी संत थे। भक्त संतों एवं सूफी संतों से हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके पश्चात शिक्षण के पश्चात शिक्षक छात्रों से पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराने के लिए कहेंगे तथा इसके पश्चात शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे। प्रदत्त गृह कार्य। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके अगले भाग के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।